नमस्कार, अंदर के बात के साथ मैं हूं हिना। गुजरात में सुबह ठंड और दोपहर में भीषण गर्मी, बारिश की विदाई के साथ ही क्या है अब ठंडी को लेकर मौसम विभाग का अनुमान। मौसम विभाग ने घोषणा कर दी है कि राज्य से मॉनसून 2023 विदा हो चुका है। अगले 5 दिनों तक बारिश का कोई सिस्टम बनने की संभावना नहीं है। फिर मानसून की विदाई के साथ ही राज्य में डबल सीजन का एहसास होगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि अक्टूबर और नवंबर महीने में डबल सीजन का एहसास होगा। मौसम विभाग के मुताबिक दोपहर में गर्मी और सुबह शाम ठंडी रहेगी, साथ ही अगले 5 दिनों तक राज्य में तापमान यथावत रहेगा। आने वाले दिनों में राज्य में बारिश की कोई संभावना नहीं है। फिलहाल कोई सिस्टम सक्रिय नहीं होने से बारिश की कोई संभावना नहीं है। ज्यादातर शहरों में तापमान 35 से 36 डिग्री के आसपास रहेगा। मैच और नवरात्र के दौरान बारिश की समस्या नहीं होने का अनुमान है। गौरतलब है कि इस साल गुजरात के मानसून में 16 तालुकाओं में 100% से ज्यादा बारिश हुई है, 23 तालुकाओं में 69% तक बारिश हुई है। कच्छ और सौराष्ट्र में बहुत अच्छी बारिश हुई। दक्षिण गुजरात में सीजन की 7% कम बारिश होगी। अहमदाबाद में सीजन की 98% बारिश हो चुकी है। जून जुलाई में भारी बारिश के बाद अगस्त सूखा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट। हमास ने तेल अवीव पर दागे 5,000 रॉकेट, रियासी इमारतों को क्यों बनाया निशाना? इसराइल ने भी किया ऐलान जंग, क्या होगा जंग का अंजाम? गाजा पट्टी में हमास के आतंकवादियों ने इसराइल की ओर दर्जनों रॉकेट दागे हैं, जिससे युद्ध की स्थिति बन गई है। आतंकियों ने इसराइल पर दावा बोल दिया है, जिसकी पुष्टि इसराइल के अधिकारियों ने की है। हमास के आतंकवादियों की तरफ से हुए हमले में एक व्यक्ति की मौत हुई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। हमास ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। जवाबी कार्रवाई में इजरायली सेना ने भी गाजा पट्टी में हवाई हमले किए। दरअसल इस इलाके में ये संघर्ष कम से कम 100 साल से चल रहा है। यहाँ वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और गोलन हाइट्स जैसे इलाकों पर विवाद है। फिलिस्तीनी इन इलाकों समेत पूर्व यरूशलेम पर दावा जताते हैं, वहीं इजराइल यरूशलेम से अपना दावा छोड़ने को राजी नहीं है। ऐसे में आए दिन तनाव की स्थिति बनी रहती है। हमास के आतंकवादियों के हमलों को देखते हुए इसराइल में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही इसराइल के विदेश मंत्रालय ने चेतावनी देते हुए कहा है कि हमास के आतंकवादी संगठन को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि 1 घंटे पहले हमास के आतंकी संगठन ने हमला किया, उन्होंने रॉकेट दागे और इसराइली क्षेत्र में घुसपैठ की। इसराइली डिफेंस फोर्स नागरिकों की रक्षा करेगी और हमास के आतंकियों को सबक भी सिखाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। अब बिहार में जल्द आंदोलन होगा, किसान नेता राकेश टिकैत पटना पहुंचे ही क्या दिया बड़ा बयान, इस बयान से क्यों सियासत हुई तेज? चर्चित किसान नेता राकेश टिकैत पटना पहुंचे और मीडिया से बातचीत की। उनके साथ आरजेडी विधायक और पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह भी मौजूद रहे। क्या जाति गणना से, जनगणना से जो बिहार का किसान का धान सस्ते रेट में लुटा जा रहा, किसी जाति पे ज्यादा पैसे देता है क्या व्यापारी, उस सबका एक ही रेट मिलेगा। और जब धान बोरी में गल जाता है ना, उसका पता रहता है किसके खेत में पैदा हुआ। हमारा उद्देश्य जातियों से नहीं, हमारा उद्देश्य फसलों के रेट से है। राकेश टिकैत ने कहा कि यहाँ का एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी तरह खत्म हो चुका है। बिहार के किसानों को बचाना है तो सबसे पहले बाजार समिति को बहाल करना होगा। हम विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन किसानों को विनाश करके विकास नहीं हो सकता। इसके लिए आंदोलन करना होगा, नहीं तो किसानों की जमीन बेवजह लूटती जाएगी। अब बिहार में जल्द आंदोलन होगा। वही जातीय गणना के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य जाति गणना नहीं है, हमारा उद्देश्य खेतों में काम करने वालों के लिए है। फसलों के लिए उचित दरें प्रदान की जानी चाहिए। क्या कोई व्यापारी किसी जाति विशेष के किसान को अधिक भुगतान करता है? जब फसल पक जाती है तो कोई
नहीं बता सकता कि यह किसके खेत में पैदा हुई है। हमारी चिंता जाति से नहीं है, हमें फसलों की रेट की चिंता है। राजधानी पटना में किसान नेता राकेश टिकैत ने मीडिया से बातचीत की। इससे कयास लगाया जा सकता है कि बिहार में किसानों को लेकर आने वाले समय में राकेश टिकैत आंदोलन कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचाई है। सिक्किम में मरने वालों की संख्या बढ़कर 95 से ज्यादा हो गई है, जबकि 140 से ज्यादा लोग लापता हैं, उनकी तलाश जारी है। क्यों आया तबाही का मंजर? पूर्वोत्तर के जन्नत में क्यों हुआ जल प्रलय? सिक्किम में तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ अपने तबाह के निशान छोड़ गई है। चार दिन बाद भी कीचड़ और मलबे में शव मिलने का सिलसिला बना हुआ है। सिक्किम बाढ़ में अब तक 55 से ज्यादा शव बरामद किए गए हैं। इनमें पश्चिम बंगाल में तीस्ता नदी के बेसिन से 30 से ज्यादा शव बरामद हुए हैं। सेना के 22 जवान लापता हुए थे, इनमें से 7 के शव बरामद किए गए हैं। राज्य में 4 दिन से 3,000 पर्यटक फंसे हैं, लेकिन हवाई रेस्क्यू ऑपरेशन में खराब मौसम अड़ंगा डाल रहा है। वायुसेना ने MI-17 हेलीकॉप्टर से ऑपरेशन चलाने के कई प्रयास किए। बता दें कि बादल फटने से सिक्किम की तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई थी, जिसकी वजह से 25,000 से ज्यादा लोग आपदा में प्रभावित हुए थे। बाढ़ ने 1200 से ज्यादा घरों को क्षतिग्रस्त किया है, कुल 13 पुल बह गए हैं। अब तक विभिन्न क्षेत्र में 2,413 लोगों को बचाया गया है। इसके अलावा राज्य भर में 6,875 लोग 22 राहत शिविरों में शरण लिए हैं। इनमें से अधिकांश इलाके देश के बाकी हिस्सों से कट गए हैं। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने मृतकों के परिवारों के लिए 4 लाख रुपए का मुआवजा देने और शिविरों में रुके लोगों के लिए 2,000 रुपए की तत्काल राहत की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीए। मंगोलिया के 8 साल के बच्चे को किडनैप कर सकता है चीन, जाने दलाई लामा का खास क्यों बन गया है यह मासूम। मंगोलिया का एक 8 साल का बच्चा चीन की आंखों की किरकिरी बना हुआ है। यह बच्चा चीन को इस कदर चुंभ रहा है कि वह कैसे भी इस मासूम को अपनी कस्टडी में लेना चाहता है। इस बच्चे की खासियत है कि इसे तिब्बती बौद्ध के तीसरे सबसे बड़े धर्म गुरु 10वें खलखा जैटसन धम्पा रिनपोचे का पुनर्जन्म माना जा रहा है। दरअसल बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने खुद इस बच्चे को यह दर्जा दिया हुआ है। इस बच्चे का नाम अल्लातनारा है, जिसकी उम्र मात्र 8 साल है। अब ये बच्चा दलाई लामा और पंचेन लामा के बाद बौद्ध धर्म का तीसरा सबसे बड़ा धर्म गुरु बन गया है। गौरतलब है कि बौद्ध धर्म में धर्म गुरुओं के पुनर्जन्म का खास महत्व होता है। ऐसे में अल्लातनारा को तिब्बती धर्म गुरु के रूप में मान्यता देने के लिए भारत के हिमाचल प्रदेश में शानदार समारोह का आयोजन किया गया था, जिससे चीन और ज्यादा तिल मिलाया हुआ है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस बच्चे का जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ है। ऐसे में किसी ने ये नहीं सोचा था कि वह इतनी कम उम्र में तिब्बती धर्म गुरु की राह पर निकल पड़ेगा। दरअसल इस बच्चे को बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक नेता के पुनर्जन्म के रूप में मान्यता देने के कदमों से चीन नाराज है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राजस्थान के दौरे पर राज्य को 5,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर प्रधानमंत्री ने क्या किया हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर गए हुए हैं। वहां पर उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, राजस्थान की धरती गौरव की धरती है। राजस्थान गौरवशाली इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए भारत सरकार राजस्थान के विकास के लिए काम कर रही है। अभी 15 मिनट पहले सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन मुख्यमंत्री जी गायब थे। क्यों गायब थे? क्योंकि उनको भरोसा है मोदी आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। उनको मोदी पे इतना भरोसा है और इसलिए उनको लगा, करे भाई मोदी आ रहा है तो बस हो जाएगा। और मैं भी उनको कहता हूं, आप विश्राम कीजिए, अब हम संभाल लेंगे।
पीएम मोदी ने अपनी रैली में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा, राजस्थान में तो कांग्रेस की विधायक ही कहती है वह सुरक्षित नहीं है। पीएम ने कहा, सीएम अशोक गहलोत थक गए हैं, इसलिए उनको आराम करना चाहिए। पीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री जी आप आराम कीजिए, हम संभाल लेंगे। पीएम ने कहा, बीजेपी आएगी तो वहां दंगे रुकवाएगी। पीएम मोदी ने कहा, आज मारवाड़ की पवित्र धरती जोधपुर में कई बड़े विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। बीते 9 सालों में हमने राजस्थान के विकास के लिए जो निरंतर प्रयास किए हैं, उनके परिणाम आज हम सब देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। ये जरूरी है कि भारत के गौरवशाली अतीत का प्रतिनिधित्व करने वाला राजस्थान भारत के भविष्य का भी प्रतिनिधित्व करे। ये तभी होगा जब मेवाड़ से लेकर मारवाड़ तक पूरा राजस्थान विकास की बुलंदियों को छुए। ब्यूरो रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी ने यूपी में लोकसभा की 50 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। कोलकाता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सपा ने बकायदा इसकी घोषणा भी की थी। नवरात्रि तक लोकसभा की इन 15 सीटों पर उम्मीदवार क्यों उतारना चाहती है सपा? मिशन 24 में जुटी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 15 सीटों पर नवरात्रि तक उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इसके संकेत भी दिए हैं। अखिलेश ने कहा है कि हमने बीजेपी के बड़े नेताओं को हराने का प्लान बना लिया है, नवरात्रि आते ही वीआईपी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार देंगे। रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी हाईकमान ने लोकसभा की 10 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए है, जबकि 20 सीटों पर नामों को लेकर माथापच्ची जारी है। इन 20 सीटों के लिए दो दो उम्मीदवारों की एक लिस्ट तैयार की है। जिन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए हैं, उनमें कुछ सीटें ऐसी भी है जहां पर सपा पिछले 3 चुनाव से लगातार हार रही है। सपा इस बार लोकसभा सीट जीतने के लिए कुछ विधायकों को भी मैदान में उतारने की तैयारी में है। सपा ने यूपी की वीआईपी सीटों को 2 कैटेगरी में बांटा है। पहली कैटेगरी में उन सीटों को रखा है जहां उसका दबदबा ठीक ठाक है। वही दूसरी कैटेगरी में ऐसे सीटों को रखा है। समाजवादी पार्टी ने इस बार 19 ऐसे सीटों का चयन किया है जहां स्थापना के बाद से ही पार्टी कभी जीत नहीं पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी।